आज बनाया इडली चटनी सांबर डिनर में, ये इडली और ये सांबर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल इडली बनाया था तो रात में इडली काफ़ी बच गई है, तो अभी इसको तड़का दे देते हैं, फ्राई इडली बना लेते हैं। फ्राई जीरा हींग डाला है, ऐसा प्याज डाला है, हरी मिर्च, थोड़े से पत्ता गोभी है, तो पत्ता गोभी और शिमला गाजर मेरे पास बचे थे तो वो भी मैंने डाल दिए। टमाटर, हल्दी डाला है, इडली में भी नमक तो है ही तो थोड़ा हिसाब से डालेंगे। टमाटो केचप डालेंगे, घी इडली डाल देंगे, बस इसमें धनिया डाल दिया है, तैयार है ये। तो तैयार है इडली,
बची हुई इडली से आराम से हम अच्छा लगता है खाने में, सुबह का नाश्ता भी हो जाता है और कुछ अलग फ्लेवर भी बन जाता है। बस चाय मेरी बन गई, अभी नाश्ता करेंगे। टिफिन की सब्जी तो मैंने मिक्स बनाया है, फ्लावर, गोभी, मटर, गवारफली, सब थोड़ा थोड़ा जो भी बचा हुआ है सबको मिक्स करके मिक्स वेज बना दिया है। बस अभी टिफिन ही पैक करना है आशीष और आशीष के पापा का, तो दही है ले जाएंगे। चलिए नाश्ता कर लेते हैं, अभी मस्त लगता है एकदम। टिफिन के लिए सब्जी बनाया है मैंने, पत्ता गोभी बनाया है अभी टिफिन के लिए, ये उपमा बनाया है, मेरी चाय बन रही है वहाँ पे, उपमा भी तैयार है। चाय बन रही है, रोटी बन गई है, सभी नाश्ता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खुश हैं, सब हैप्पी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तो बस कल मेहमान चले गए सारे, तो ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया, सब कंफर्टेबल नहीं रहते वीडियो बनाने के लिए, तो बस अभी अपना जो भी रूटीन है हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तो बस अभी डस्टिंग वगैरह करती हूँ, पूजा मेरी हो गई है, आशीष और उसके पापा ऑफिस गए, तो चलिए शुरू करते हैं।
बस अभी बाहर रंगोली निकाल के झाड़ू वाड़ू कर दिया है, पोछा भी हो गया है, बस अभी रंगोली डालती हूँ। इसको धो दिया था, सूख गया तो ले आई, बाहर सुखाया था रस्सी पर। हो गए सारे काम, सारी साफ सफाई भी हो गई, बस पापा जी का कमरा भी हो गया है, अभी प्रेस के कपड़े रखने हैं बस, बाकी तो सब रेडी है। बेडरूम भी डन कंप्लीट सारा काम। बस अभी किचन के भी आज सारे बर्तन मैंने धो दिए हैं, ये तो हेल्पर ने करके गए। बस अभी ये मैंने कर दिए सारे, पूरा साफ सफाई हो गया, चाय शक्कर का डब्बा पीने का। अभी तो सारे काम, मैं सबको एक एक करके धो ली होती तो साफ कर लेती हूँ तो साफ हो जाते हैं। मेरे ख्याल से 15-20 दिन बाद में इनको मैंने साफ किया है, हो गए पूरे साफ। तो चलिए अभी हो गया आज का काम सारा, सभी गर्म हो रहा है। आज की रंगोली तो अभी ये रंगोली निकाली है मैंने, ये कुशन कवर ना अभी हम शॉपिंग करने गए थे, मेरी ननंद आई थी तभी तो हमने क्रॉफर्ड मार्केट से लिया था ये, और ये वाले भी वहीं से लिए हैं। कितने के आए ये, 350 रुपये के 5, ये भी 5, ये भी 5,
तो ऐसे मैंने 10 लाए, इसके 5 है और इसके 5 है, तो ये 350 का और ये भी 350 का। अच्छे लग रहे, कवर भी ऐसे अच्छे है, इसको मैच हो गए ना इसके लिए, तो ये थोड़ा ऐसा मिक्स मैच करके ले लिया है मैंने। तो 5 350 का है और वो 5 350 का, ऐसे दो अलग अलग पैटर्न के लिए है मैंने। बताती हूँ, ये भी 5 है और ये भी 5 है, ऐसे दो लिए, 700 रुपये के आए कुशन कवर, अच्छे है, क्वालिटी भी अच्छी है। तो 700 में ऐसे 10 पीस आ गए, बहुत अलग अलग डिज़ाइन के अच्छे थे, तो ये दो मेरे को थोड़े सोफे को मैच करते हुए मिल गए, तो ये मैंने ये ले लिया, बढ़िया लग रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहाँ ही एंड करती हूँ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, कल का भी थोड़ा पेंडिंग वीडियो है, वो भी मैं इसी में ऐड करती हूँ। तो चलिए देख लीजिएगा जरूर, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बाय फ्रेंड्स, फिर यहाँ से मैं नया वीडियो स्टार्ट कर दूँगी।